हेलो, आई एम तबरेज़ अख्तर। दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, मोशन। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। सो चैप्टर नेम इज़ मोशन। मोशन मीन्स चाल। चाल मतलब किसी चीज़ में जो मूवमेंट दिखाई देता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कहलाता है मोशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। फॉर अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस, द रोड साइड ट्री अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड साइड प्रसीव द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग। However, the passenger inside the bus see his fellow passenger to be at rest. What do these observation indicate? तो moving, किसी चीज़ का move करना और किसी चीज़ का stationary रहना, ये actually में depend करता है अलग अलग person के ऊपर। For example, कि अगर कोई bus में बैठा है, तो उसको और bus चल रही है तो बाहर एक पेड़ है, तो वो पेड़ उसको दिखाई देगा कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से बस के अंदर कोई दूसरे व्यक्ति को देखेगा, अगर कोई एक लड़का दूसरे लड़के को बस के अंदर ही देखेगा, एक्चुअली में बस तो चल रही है पर उसको वो लड़का चलता हुआ नहीं दिखेगा, नहीं स्टेशनरी दिखेगा, यानी रुका हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके की अलग अलग सिचुएशन बनती है। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर मे टेक अ सर्कुलर पाथ। तो मोशन भी अलग अलग टाइप की, जैसे कि स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में चलने वाला या फिर चली जाने वाली मोशन कहलाती है स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके बाद सर्कुलर पाथ यानी गोल गोल घूमने वाला। एंड सम मे रोटेट एंड फ्यू अदर्स मे वाइब्रेट। कुछ वाइब्रेट होते हैं, कुछ रोटेट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अलग अलग मोशन कहलाते हैं। देयर मे बी अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और हो सकता है कि ये मोशन कॉम्बिनेशन के साथ भी बने होते हों। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल ऑल्सो लर्न द एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने वाले हैं, यदि सीधी रेखा में चाल क्या होती है, कैसी होती है और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजिशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि एक अज्यूम कर लिया कि एक गांव में 2 किलोमीटर दूर पे स्कूल है रेलवे स्टेशन से। ठीक है, अब 2 किलोमीटर कहाँ, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ में 2 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू द our convenience. Therefore, the to describe the position of an object we need to specify reference point called the origin. तो इसलिए हमें किसी भी destination को या हमारी position को describe करने के लिए एक reference point देना ज़रूरी है, यानी एक origin जिसको हम origin कहते हैं, origin देना ज़रूरी है, यानी कहाँ से। जैसे मैंने स्कूल बताया कि स्कूल दूर है 2 किलोमीटर, तो कहाँ से दूर है, स्टेशन से लेके दूर है। ठीक है, तो स्कूल स्टेशन से दूर है 2 किलोमीटर। अगर मैं स्टेशन नहीं बोलता यानी ओरिजिन पॉइंट नहीं बताता, तो मैं सिर्फ बोलता 2 किलोमीटर मेरी स्कूल दूर है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ में कहाँ से, तो ये नहीं बताऊँगा तो आप कैसे पता करोगे। ठीक है, तो ओरिजिन का बताना ज़रूरी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। ठीक है,
द सिंपल टाइप ऑफ मोशन इन द मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल. कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच स्टेट्स एट इट्स रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट इंस्टेंट. एट द फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी एंड देन रीचेस टू ए. देन इट मूव्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ रीचेस टू सी थ्रू बी. ठीक है. तो यहाँ पे आपको लाइन दिया हुआ है. इस लाइन में आपको देखिए अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं सी बी ए. ठीक है. और ओ. अब इसके इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि कोई कोई मान लीजिए कि कोई एक लड़का ही है. ठीक है. वो मूव स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी ए से. तो ए से सी पहुंच रहा है, फिर बी पहुंच रहा है, फिर ए पहुंच रहा है. इसी तरीके से फिर वापस आ रहा है. तो ए से बी पहुंच रहा है, फिर सी पहुंच रहा है, फिर ओ पहुंच रहा है. ठीक है. वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक मिनट. टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि उस लड़के ने टोटल कितना कवर किया. सबसे पहले ओ से लेके ए तक गया, यानी टोटल ये कितना हो गया 60 किलोमीटर. अब यहाँ से वापस कहाँ आया, सॉरी सी तक आया. मान लो कहाँ तक आया, सी तक आया. ठीक है. तो सी तक कितना है, सी तक आपका कितना हो गया 5-5 की जो डिस्टेंस है, 5-5 के बीच इनमें डिफरेंस है. तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ठीक है. तो 35 हो गया. तो हम ओ ए प्लस ए सी को ऐड करेंगे, यानी 60 प्लस 35 ऐड करेंगे, 95 किलोमीटर आ जाएगा. ठीक है. दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. देयर आर सर्टेन क्वान्टिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरेंस वैल्यू. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वान्टिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड. तो ठीक है. ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आती है आंसर में, ठीक है, जैसे कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई 95 किलोमीटर. ठीक है. तो ये जो 95 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रही है, ये कहलाता है आपका मैग्नीट्यूड. क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड. ठीक है. 95 किलोमीटर जो आया वो आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा. ठीक है. ये बात ध्यान रखिएगा. उसके बाद आते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू. कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ओ. दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी. Shortest distance measured from initial to final position of the object is known as the displacement. Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by the object? ठीक है. तो अब आपको हम ये बताते हैं कि उसने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गया था और फिर यहाँ से यहाँ तक आया था. तो हमने उसको देख लिया था कि टोटल उसने डिस्टेंस कितनी कवर की. हमने ऐड करके बता दिया कि 95 किलोमीटर उसने कवर की. उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में वो शुरू में खड़ा कहाँ था, यहाँ. तो वो शुरू में और फाइनल पोजीशन कहाँ आ गई उसकी, यहाँ. तो एक्चुअल में वो शुरू से आखिरी पोजीशन तक पहुंचा तो उसने कितनी दूरी तय की, यानी शुरू की पोजीशन से आखिरी पोजीशन में उसकी दोनों दूरी में कितना डिफरेंस है, है ना. तो अगर हम देखें तो वो गया यहाँ से और फिर यहाँ आ गया, है ना. और एक्चुअल में वो क्या चला, एक्चुअल में वो सिर्फ इतना ही चला यहाँ से यहाँ तक, है ना. एक्चुअल में सिर्फ इतना ही चला. ठीक. तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें सामने आई. सबसे पहली एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। शुरू में ओ में था और सी में आ गया, तो ये ओ से सी के बीच की जो सबसे कम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि एक्चुअल में वो शुरू वाली पोजीशन में जो था, जो ओरिजिन में था, अब ओरिजिन से जो लास्ट वाली पोजीशन में आया, तो उस पोजीशन में वो एक्चुअल में उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ उससे मतलब होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ घूमा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कैन द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ एंड ए डिस्टेंस कवर्ड इज 60 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर ड्यूरिंग इट्स मोशन ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर 60 एंड देन 25। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ सीखी। पहली चीज़ क्या सीखी? डिस्टेंस, और दूसरी चीज़ सीखी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से बुक स्टोर आए। ठीक है, तो घर से स्कूल गए 10 किलोमीटर और स्कूल से आप बुक स्टोर पहुँचे 5 किलोमीटर, टोटल 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गई? 15 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट को आपको सिर्फ आपकी शुरू की पोजीशन और आखिरी पोजीशन से मतलब है। शुरू में आप कहाँ थे? यहाँ थे। अब आप कहाँ हो? यहाँ हो। तो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच के निकाल सकते हैं, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, यानी आपके आपके घर से बुक स्टोर तक की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। तो इसका मतलब आपकी पोजीशन हम देखें तो आपकी पोजीशन आई 5 किलोमीटर में, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 5 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई? 15 किलोमीटर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या सेम होते हैं। चलो मान लो आप यहाँ से सीधी लाइन, सीधी रेखा में गए और ये आप कहाँ पहुँच गए? स्कूल पहुँच गए। ठीक है, आप कहाँ थे? घर में थे। ठीक है, तो स्कूल से आपके स्कूल घर से स्कूल की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आया 10 किलोमीटर। अब आपके डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? आपको सबसे छोटी डिस्टेंस बतानी है आपके स्कूल से और आपके घर से। तो एक सीधी लाइन जो है, जो दो डेस्टिनेशन को जोड़ती है, वही सबसे छोटी डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो आपके स्कूल से घर तक की दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट भी आपका जो होगा वो सेम होगा, यानी 10 किलोमीटर ही होगा। ठीक है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी कभी सेम भी हो सकती है, और बहुत सारी कंडीशन में क्या हो सकती है? डिफरेंस भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है कि नहीं? कैसे जीरो हो सकता है भाई? देखिए, मान लीजिए कि आप एक सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं। ठीक है, आपने पूरा गोल चक्कर लगाया, इस पूरे ग्राउंड का गोल चक्कर लगाया और वापस आ गए, यानी इसी पोजीशन पे। शुरू में कहाँ थे? यहाँ थे और वापस वहीं आ गए। ठीक है, तो डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो आपने ये पूरा चक्कर लगाया, मान लीजिए ये पूरा ग्राउंड जो है, ये इस ग्राउंड की जो डिस्टेंस है, ये बाहर की जो लेंथ है जहाँ पे आप चक्कर लगाए हो, वो 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब आपने 10 किलोमीटर चल लिया, वॉकिंग कर ली। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो आपकी शुरू की पोजीशन क्या थी? ये थी। घूम के वापस कहाँ आ गए? वहीं आ गए, यानी जहाँ थे वहीं खड़े हो। इसका मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है भाई, जहाँ थे वहीं आ गए वापस। तो शुरू की पोजीशन क्या है? मान लो यहाँ पे ए, ये ए है, तो शुरू की पोजीशन क्या है? ए,
और लास्ट की पोजीशन क्या है, वो भी ए है कि नहीं, ए माइनस ए जीरो है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कभी कभी जीरो भी हो जाता है और डिस्टेंस जीरो नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी डिस्टेंस के सेम भी हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चली, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाता है, चलिए हम जानते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट लीजिए जो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में मूव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये, लेट इट ट्रैवल 5 किलोमीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड, ठीक है। अब उसको चलाइए, मान लीजिए कि वो 5 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड में, फिर 5 मीटर चल रहा है अगले नेक्स्ट सेकेंड में, फिर 5 मीटर चल रहा है थर्ड सेकेंड में, ठीक है, और ऐसे ही चलता जा रहा है। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, क्योंकि 5 मीटर ही चल रहा है 1 सेकेंड में, फिर अगले सेकेंड में भी 5 मीटर चल रहा है, टाइम 1 सेकेंड ही लग रहा है अगले, फिर 5 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड, फिर 5 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड, ठीक है। यानी हर सेकेंड में वो 5 मीटर ही चल पाएगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो एवरी सेकेंड डिस्टेंस जो है उसकी सेम है, एवरी सेकेंड डिस्टेंस सेम है, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। इसके अलावा हम अगर अनइक्वल डिस्टेंस की बात करें, मान लीजिए कि ये कोई लाइन है और यहाँ पे जो चल रहा है चलने वाला, ये 1 सेकेंड हुआ और वो 5 मीटर चला, फिर उसके बाद दूसरा सेकेंड हुआ तो वो 10 मीटर चल लिया, और उसके बाद जो थर्ड सेकेंड में वो फिर से 7 मीटर चल लिया, यानी अब जो उसकी स्पीड है वो अलग अलग है, हर सेकेंड में उसकी स्पीड अलग अलग है, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल दी है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, 9:30 बजे 10 मीटर चला, और एक दूसरा लड़का जो है वो 9:30 बजे 12 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद 9:30 से ये 9:45 हो गए, यानी 15 मिनट हो गए, अब वो पहुँच गया 20 में, और ये कहाँ पहुँच गया 19, यानी टाइम का डिफरेंस देखें 15 मिनट, और इनकी डिस्टेंस का डिफरेंस देखें 10 और 20, 20 में 10 गया 10, ठीक है, यानी 15 मिनट में ये 10 मीटर, और उसके बाद ये इसका कितना होगा 7, ठीक है, 19 में 12 माइनस किया। फिर उसके बाद फिर अगले सेकंड में देखे, यानी अगले टाइम में देखे तो 9:45 से 10 बज गया, अब जब 10 बज गया तो यानी 15 मिनट और हो गया, 15 मिनट और हो गया, तो अब ये कहाँ पहुँच गया 30 में, और ये पहुँच गया 23 में, ठीक है। तो 30 में 20 माइनस करेंगे यानी अभी भी ये 10, और 23 में 19 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे 9:45 से 10 यानी फिर से 15 मिनट, तो यहाँ पे 10 10 ही आता जा रहा है, और हर 15 मिनट का यहाँ पे इंटरवल है, तो ये वाला मोशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म, और ये नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो यहाँ पे हमको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ठीक है। रेट ऑफ मोशन को मेजर करना है 8.2 में, यहाँ पे आपको देख रहे हैं आप, ये एक पिक्चर बनी हुई है, बॉलिंग बॉलर बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा है, और यहाँ पे बॉलिंग स्पीड लिखी हुई है किलोमीटर पर आवर में 140, 143, 135, यानी 135 किलोमीटर पर आवर जो है बॉलिंग की स्पीड है, ठीक है। एक घंटे में बॉलिंग जो है, यानी बॉल जो है वो कितना कवर कर रही है, 135 किलोमीटर, ठीक है।
इस तरीके से आपने कभी कार का जब रोड पे जो लगा हुआ साइन है उस बोर्ड, उसमें भी देखा होगा कि कभी कभी डिस्टेंस स्पीड लिखी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम जो स्पीड मेज़र करते हैं वो किससे मेज़र करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी उसने जितनी दूरी तय की है ना। मान लीजिए एक लड़का यहाँ खड़ा था और यहाँ पहुँच गया, तो उसने 10 किलोमीटर तय कर लिया। तो 10 किलोमीटर उसने तय कर लिया और टाइम कितना लगा, टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन जो होता है उसी से हमको स्पीड पता चलती है, ठीक है, उसी से हमको स्पीड पता चलती है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकंड इनवर्स या फिर मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम स्पीड जो है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर मतलब क्या होता है, जो किलोमीटर से छोटा होता है ना। तो मीटर जो है वो किसके लिए यूज़ में आता है, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, और सेकंड किसको मेज़र करने के लिए काम में आता है, टाइम को। तो मीटर पर सेकंड से हमको स्पीड का पता चलता है, और ये स्पीड की SI यूनिट है, ठीक है। SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। वी ठीक है, द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड यानी CM सेकंड इनवर्स एंड किलोमीटर पर आर, ठीक है। और उसके साथ साथ किलोमीटर पर आर का भी यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर चला, मीटर पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में कितने मीटर चला, ठीक है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, देयर फोर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो चलता है, मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, आपकी कार है, वो चलती है, वो एक बराबर स्पीड से तो नहीं चलती, ठीक है। तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है वो अलग अलग होती है, यानी कभी बहुत तेज़ से चल रहे हो, कभी बहुत धीरे चल रहे हो, है ना। तो आपका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता ज़्यादातर, इसीलिए जो स्पीड हम निकालते हैं वो स्पीड आती है एवरेज स्पीड, ठीक है। वो स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका ये है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यानी टोटल आपने कितनी दूरी तय की अपॉन टोटल टाइम टेकन यानी आपने टोटल कितना टाइम लिया, ठीक है। इफ़ नॉट ऑब्जेक्ट ट्रैवल इज़ एस एंड टी देन इट्स स्पीड वी। तो स्पीड को वी से प्रेजेंट करते हैं और एस जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल यानी आपने जितनी दूरी तय की उसको एस से लिखते हैं और टाइम को टी से लिखते हैं, तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बनता है, वी इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पता कर लिया, ठीक है। तो अब इस टाइप से एक ऑप्शन क्वेश्चन भी छोटा सा दिया हुआ था जिसमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 32 मीटर हो गया और टोटल टाइम टेकन 66 सेकेंड हो गया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है। वॉट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है गाड़ी, मान लीजिए 16 मीटर चल रही है 4 सेकेंड में, ठीक है। 4 सेकेंड में 16 मीटर चल रही है, उसके बाद अगले दो सेकेंड में कितना चल रही है, 16 मीटर चल रही है, ठीक है, अगले 2 सेकेंड में, ठीक है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस को जोड़ लो, पहले 16 चली बाद में 16 यानी 32 चल गई, टाइम लिया 4, फिर बाद में 2 यानी 6 टाइम हो गया,
अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो बोल रहा हूँ, अब डिवाइड कर दो तो 32/6 हो जाएगा, काटेंगे तो 5.33 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। ठीक है, स्पीड विद डायरेक्शन, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद इट्स स्पीड। ठीक है, द क्वान्टिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट इज कॉल्ड विलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्पीड के साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे जो है तो थिंग्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसके बाद जब हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ जोड़ते हैं तब हमें जो मिलता है जो एस्पेक्ट, ये जो एस्पेक्ट कहलाता है इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी वेलोसिटी क्या कहलाती है, जब आपको स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन यानि दिशा की ज़रूरत पड़े। ठीक है, वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना है ना, यानी उसकी स्पीड को बताना वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, अब वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, कब चेंज हो जाती है, अगर स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने स्पीड के बारे में बताया था। ठीक है, स्पीड के बारे में बताया था। ठीक है, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब वो कितना चला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना चल रहा है वो स्पीड कहलाता है। स्पीड में हमको डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है या कहाँ जा रहा है, बस वो एक जगह से दूसरी जगह गया और उन दोनों डेस्टिनेशन या दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमको पता होना चाहिए और कितना टाइम लगा उसको वो टाइम पता होना चाहिए, तो हमको स्पीड पता चल जाएगी। लेकिन वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है तो चेंज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यानी यूनिफॉर्म का मतलब तो मैं बताया था एक समान, ठीक है, अगर एक समान रेट से चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी हम कैसे बता सकते हैं, उसका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी ही कहेंगे उसको भी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी यानी उसकी आखिरी में वेलोसिटी क्या है, उन दोनों को जोड़ देंगे अपॉन टू कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस अ फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा वी एवरेज। मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, वी एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी लिखते हैं और अपॉन टू, तो यू प्लस वी अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एवरेज वेलोसिटी आ गया। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का जो आंसर आता है या फिर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, और यही स्पीड की भी थी है ना, तो स्पीड की भी मीटर पर सेकेंड थी। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और इसमें हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पीड में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये क्वेश्चन को मैं आपको सेंड करूँगा, आपको ये क्वेश्चन कर लेने, वो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप एंड 24 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप इफ द ट्रिप टुक 8 आवर कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टार्टिंग ट्रिप में क्या था, कार का जो ओडोमीटर था, ठीक है, उसमें क्या था 2000 किलोमीटर, ठीक है, था रीडिंग उसकी। ठीक है, उसके बाद जब आप कहीं गए, जब आप कहीं गए कार से, तो अब रीडिंग क्या थी ओडोमीटर की, आपके कार की ओडोमीटर की 2400 किलोमीटर। ठीक है, और जहाँ आप गए अपने घर से, मान लीजिए देवी जी गए, तो कितना टाइम लगा, 8 घंटे, 8 आवर। तो हमको स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले आप याद रखो कि आपका जो कार था उसमें पहले से ही 2000 किलोमीटर की रीडिंग लगी हुई थी, यानी पहले से इतनी चली हुई थी। जब आप घर से कहाँ देवी जी तक पहुँचे तो 2400 हो गई, तो यानी आपने टोटल चला कितना, आपकी कार चली कितनी, 2400 माइनस 2000 करेंगे, 2400 माइनस 2000 करेंगे, यानी 400 किलोमीटर चली। टाइम कितना लगा, 8 घंटे लगा। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, यानी 400 अपॉन 8 होगा, और 8 को अगर काटेंगे, 400 को काटेंगे 8 से, तो 50 आएगा, 50 किलोमीटर पर आर आंसर आ गया। ठीक है, आंसर किलोमीटर पर आर में इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर पर किलोमीटर और आर के यूनिट में ही दिया हुआ था। ठीक है, अब उसको चेंज करना है, 50 किलोमीटर पर आर था, इसको चेंज करना है किस में, मीटर पर सेकंड में। तो ये 50 किलोमीटर पर आर लिखा। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके साथ साथ हमको ये पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। नहीं पता तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना, 60 × 60 करके। ठीक है, 60 × 60 करके तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1/3600 का भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 50 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। जब इसको हम काट देंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, ठीक है, नीचे 36 आएगा। अब 36 का डिवाइड अगर कर लोगे 50 के साथ, तो आपको जो भी आंसर आएगा, फिर उसके बाद उसका 10 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 13.9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट चेंज वेंज करना तो बहुत इजी होता है, और ये पहले से भी बहुत कर चुके हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप स्पीड को चेंज कर सकते हो और स्पीड निकाल भी सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया हुआ होगा, हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, चलो उसको छोड़ो एग्जांपल को, मैं ही बता देता हूँ। तो इस वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था कि डायरेक्शन के साथ साथ आपको उसका डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, यानी ओरिजिन भी पता होना चाहिए, कहाँ जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है हमें ये पता होना चाहिए, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो स्पीड, यानी SPD स्पीड, और यहाँ देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजेस या डिफरेंस क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्यों है ना, क्योंकि हमको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो अगर आप ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे, ठीक है, तो आपको डिस्टेंस बतानी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक कैसे गए। तो आप कैसे बताओगे कि ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये चार, ये फिर 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये टोटल कितना हो गया? मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 हो गया, ठीक है, 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे 20 आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? हमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप यहाँ थे, ठीक है, और आप यहाँ पहुँच गए, यानी आप इस डायरेक्शन में थे, इस डायरेक्शन में गए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन की से टोटल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो एक सीधी रेखा होगी। एक सीधी रेखा यानी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल बताती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चले यानी टोटल आप सिर्फ 5 ही चले, कितना चले? सिर्फ 5 ही किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 5 आया, ठीक है। तो हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी यहाँ, ठीक है, टी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी आ गया। तो इस तरीके से हमको वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है और स्पीड में हमको डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से चला यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ गया, उसके बाद अब यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी अलग होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी अलग होगी, और यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले यहाँ जा रहा था, अब यहाँ जा रहा, अब यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज होना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, यानी कि टाइम जितना लग रहा है वो टाइम टेकन नीचे आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। इसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू यू टू द फाइनल वैल्यू वी इन द टाइम टी, द एक्सीलरेशन ए इज, अगर मान लो जो किसी की वेलोसिटी शुरू में क्या थी, शुरू में क्या थी? 0। फिर बाद में क्या वेलोसिटी हो गई? 15, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज आ गया, ठीक है। और टाइम मान लो कि इसमें लग रहा है, मान लीजिए 10 सेकेंड, ठीक है। तो हम इसको कैसे, इसका एक्सीलरेशन कैसे बता पाएंगे? इसका एक्सीलरेशन बताने के लिए इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी यानी पहले आखिरी में कहाँ कौन सी वेलोसिटी है? 15। शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, -0 अपॉन टाइम कितना लगा? टी, ठीक है। तो 15 -0 अपॉन टी, यानी मान लो 10, टी की वैल्यू 10 ले लो, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। दिस काइंड ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। इन एक्सीलरेशन इट टेक्स टू बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द निगेटिव वेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन के एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट थोड़ी सी बदल गई, वेलोसिटी की थी मीटर पर सेकेंड और इसकी हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब उसके बाद हम देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल
टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर इन 30 सेकेंड, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ अ बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस. इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, यानी पहले उसकी गाड़ी यानी उसकी साइकिल रुकी हुई थी, यानी इस वेलोसिटी क्या थी, जीरो रुकी हुई थी, वेलोसिटी मतलब जीरो. फिर पैडल चलाता है और उसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड. अब वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है और कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पा लेता है. ठीक है, उसके बाद वो ब्रेक मारता है तो उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है और वो कहाँ पहुँच जाती है, अब 4 मीटर पर सेकेंड में. कितने सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी आ जाती है अगले 5 सेकेंड में. ठीक है, अब उसका एक्सीलरेशन बताना है दोनों केस में. ठीक है, तो शुरू वाले केस में उसकी साइकिल रुकी हुई थी यानी वेलोसिटी जीरो, उसके बाद वो जब पैडल मारता है तो उसकी वेलोसिटी पहुंच जाती है 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, टाइम कितना लिया, 30 सेकेंड लिया. ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, तो वी यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी 6 में पहुंच गया था तो 6 पहले लिखेंगे, शुरू में क्या था, 0 था तो 6 माइनस 0 लिखेंगे. ठीक है, अपॉन टी यानी 30 सेकेंड यानी 30 लिखेंगे, तो 6 माइनस 0 यानी 6 अपॉन 30 यानी 6 अपॉन 30. 6 अपॉन 30 जैसे ही हम करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर सेकेंड की पावर माइनस 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं दूसरा केस में. दूसरे केस में कह रहा था कि अभी आप वो था 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फिर उसके बाद उसने ब्रेक मार दिया तो वो पहुंच गया 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में, यानी उसकी स्पीड कम हो गई, उसकी वेलोसिटी कम हो गई. ठीक है, वेलोसिटी जब उसकी कम हो गई तो अब हम ये देख रहे हैं कि पहले कितनी थी, 6 थी शुरू में, इनिशियल वेलोसिटी 6, फाइनल वेलोसिटी 4. तो फाइनल वेलोसिटी पहले लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बाद में लिखते हैं, 4 माइनस 6 अपॉन टाइम टेकन. टाइम कितना, 5 सेकेंड लिखा हुआ है. ठीक है, 5 सेकेंड, तो 4 माइनस 6 अपॉन 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 आएगा अपॉन 5. -2 अपॉन 5 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस तरीके से हमको जो दूसरा वाला एक्सीलरेशन मिला वो माइनस में मिला. ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी अभी हम सेंड करते हैं. ये क्वेश्चन है 103 नंबर पेज पे. ठीक है, वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. पहले इसकी तैयारी कर लीजिए जो मैंने आज इस क्लास में बताया. ठीक है, थैंक यू.